सो गेस करो आज मैं कौन सा वीडियो लाई हूँ। आज मैं लाई हूँ टाइप्स ऑफ पीपल इन वेडिंग्स, इन इंडियन वेडिंग्स। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मम्मा हेयर स्टाइलिश को कब बुलवाएंगी? तो वेडिंग का तैयार है। संगीत है यार, जल्दी से लाओ यार मेरे बाल, झाड़ू सो रहे हैं। आज ही बाल धोए और आज सूखने का टाइम भी मतलब नहीं मिला। फोन भी इसका मैंने नहीं है यार। शिट, क्या है इतनी देर से क्या तो चिल्ला रही है? चिल्ला रही हूँ या बाल देख रहे हो? ये क्या है, क्या है अभी तक तेरी वो हेयर स्टाइलिश नहीं है क्या अभी तक? नहीं, और आप बता दो ना यार, वो अभी संगीत का टाइम अभी हो रहा है क्या? मतलब कब हो, कब किसको किसको कब कब बुलाया? मेरे कजिन्स तनुष बहुत सारे, वो उन सबको कब बुलाया मतलब आप बता दो तो मैं उसके हिसाब से तैयार होंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तैयार होने लगी हूँ। मेकअप कर लिया है क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे को लग रहा था तेरा मुंह चमक रहा था ना ऐसे, तो मेरे को लग रहा था कि मेकअप किया है क्या, फेस वॉश किया है। हाँ तब भी लग रहा था ना फेस वॉश किया, तो तू जल्दी से जाकर अभी मेकअप मत करना, पहले ड्रेसअप कर ठीक है, मैं लहंगे महंगे जो भी पहनना है तू वैसे कर, और फिर मैं अपनी ड्रेस धोलूँ, मेरे भी बाल झाड़ू से भरे हुए हैं ठीक है। अपने ड्रेसअप कर, फिर मैं मेकअप के लिए बनवा दूँ बुलवा दूँगी, या तो फिर तू मैं अपनी तेरा कर दूँगी, या तो तू खुद ही कर लेना ठीक है। हाँ ठीक है, अब जल्दी 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 उसको लेके आओ प्लीज़। हेलो, मैं आपकी हेयर स्टाइलिश। इतना लेट? वो मेरे को ना, मेरा बेटा है ना, उसको मेरे को स्कूल लेके जाना था, तो उसकी सेकंड शिफ्ट लगती है, तो उसको तो मैं लेने गई थी अपने घर से, तो मैं उसको घर पे छोड़ के आ गई हूँ। बताइए आपको कैसी हेयर स्टाइल करनी है, ये तो आप बताएंगी। चलो मैं बता देती हूँ, ये जो आपने मतलब कैन से मांग निकाली है, सो आप इससे मतलब कुछ कर लो, मतलब छोटी छोटी से वो जूड़ा मतलब ऐसे करके जूड़ा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को जूड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। आप जूड़ा भी कर सकते हो, बाल खुले भी रख सकते हैं मैं, लेकिन आप कुछ ऐसी हेयर स्टाइल करो जो संगीत से थोड़ी मैच दो, लेकिन सबसे अलग हेयर स्टाइल चाहिए मुझे, क्योंकि आप मेरी हेयर स्टाइल दो, आप मेरी वेडिंग पर भी हेयर स्टाइल करोगे, मेरे संगीत पर भी, मेरे संगीत है तो मेरे संगीत पर भी आप करोगे एंड इंगेज, तो सबसे पहले तो आप मेरी जो है कर दो, मेरे संगीत के लिए कोई मतलब ऐसे ही कर लेना, यहाँ से थोड़ा सा उठा उठा रहना चाहिए लाइक ऐसे, और फिर यहाँ से अगर आप जूड़ा भी कर रहे हो, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप जूड़ा भी कर रहे हो तो आप मतलब यहाँ से थोड़ा उठा उठा रहना चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश लगना चाहिए, या फिर आप इसको भी इधर ला सकते हो, इस स्टाइल में आप इसको इधर ला रहे हो, सारी चीज़ें मतलब ये सारी इधर कर रहे हो, तो मतलब ये तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं भी तो मैं आपको इसी भी अपनी से कर लो, लेकिन संगीत से थोड़ी मैच्ड होनी चाहिए, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने मान लो आपने कर दिया कुछ ऐसा उठा उठा सा कर दिया, लोग क्या बोलेंगे, मैं मतलब बच्चों जैसे हो जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा अच्छा सा कर देना। ओके आप बैठिए, संगीत तो हो गया, लेकिन अब मैं बालों का क्या करूँ, खोल तो लिया है, क्या मस्त जूड़ा बनाया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था, तो मैं थोड़ी अजीब सी लग रही थी, ऐसे किया तो ऐसे कर दिया था, मेरे कैसा लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी मैं अपने काम की कर लेती हूँ। हेलो टीना, हाँ बोल, तूने सब की तैयारी कर ली है ना? हाँ कर, आ रही है तू मेरे घर? हाँ आज जल्दी से स्टूडियो का सेट बनाना है, और मेरे को मेरे ब्राइड की मतलब संगीत तो हो गया है, और मेरे को अपने एंगेजमेंट की वेडिंग की, तो तू ड्रेस पे प्रेस करवा देगी, घर में प्रेस करेंगे यार, बाहर से नहीं। हाँ घर में, और सारे मतलब मैं तेरे को पैसे तो दे दिए हैं, तो हमने ना अपने जोड़ के जो हमने सेविंग्स की थी उनको जो है तू मतलब कर लेना। हाँ तो ऐसे ही मतलब तू उनसे मतलब कर देना रिटर्न गिफ्ट्स, है ना, उन जो बैटिंग में आएंगे ना उनको गिफ्ट्स दे देना। हाँ रिटर्न गिफ्ट्स,
क्या तेरा पर्स गुम गया? पागल आ गए क्या? मजाक कर रही थी। इस लड़की से ना बात करने ही बेकार है, मजाक करती रहती है। मुझे जल्दी से बोल दो यार, तो टाइम हो जाएगा, सोते भी नहीं बनता। मम्मा नहीं शादी अब हो रही है ना, तो इतनी जल्दी है, सब कुछ बुलाते भी नहीं है, इतने लेट करते हैं। चलो रात तो हो ही गई है। क्या 9:30 बज गए मुझे तंगी करते करते? एक तो उस लड़की से टाइम वेस्ट हो गया बात करते करते। ये ऐसा ठीक है, थोड़ा ऐसा कर देती हूँ। ठीक है अब भूख, मैं सब बोल देती हूँ कि खाना ले आए, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मम हाँ बोल, कैसी लगती हूँ मैं बताना जरा? क्या आपने मेरी जैसी ड्रेस क्यों पहन ली? हाँ क्यों, अच्छी नहीं लग रही हूँ? हाँ अच्छी लग रही हूँ, लेकिन मेरी जैसी ड्रेस घर में है ना, मेरी मर्जी, मैं जो भी पहनूँ। वेडिंग में तो मेरे को अलग ही पहनना है वैसे भी। और तू खाना नहीं खाना? कोई तो बोलने आई थी। खा ले। और टीना आ गई है, उससे बोल देना कि गिफ्ट्स ले आई है और तेरे कपड़े वपड़े। तो अभी मैं मतलब छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके लिए भी थोड़े हेयर बैंड्स भी ले लेना। छोटी बच्ची है ना, तो बहुत 5-6 साल की, तो उनके लिए गिफ्ट्स ले ले हैं। हेयर बैंड लेके आई है? पता नहीं, तो वो तो टीना लेके आई, तो मुझे उससे पूछना पड़ेगा। हाँ ठीक है, पूछ ले। और जल्दी से टीना। हाँ दीदी, आपने भी मेरी जैसी पहनी है, लेकिन आपने तो कुर्ता पहना है। मैंने डिज़ाइन किया है एक्चुअली। मैं ना मतलब यहाँ पे मतलब कर लिया था स्टेप, तो पर मैं सोच रही थी कि कुछ अच्छे से टॉप बना लूँ। सो ये मतलब मैंने ये तो मैंने नीचे कर लिया था, लेकिन अब तो निकाली हूँ। सो कैसा लग रहा है? मतलब ठीक ही है, और मेरे को भी अच्छा लगा बहुत, मैं निकाल लेती हूँ। मम्मा आपने भी ऐसे ही पहना है यार, घर में सेम चीज़ें। आप पापा को भी ऐसी कुर्ता पहना दोगे क्या? टीना जा तू, जल्दी से बता, जल्दी से बता। तू मेरी क्या, मैं कैसे बताऊँ? तू हेयर बैंड्स लाई है? नहीं मम्मा, क्यों नहीं बोला उसको, क्यों नहीं बोला? पापा घर में नहीं है? कहाँ गए? अपना सूट लेने। अपना सूट लेने? यार ठीक है मम्मा जाओ, लेकिन मेरे लिए एक चॉकलेट। हाँ डार्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। कितने की आती है? जितने की भी आए ठीक है, ले आऊँ। हाँ दीदी लोग तो चलेगा, मम्मा लोग। अब मैं कुछ करूँ? अब मैं दीदी का मोबाइल लेके गई है, वो मेरा उनका मोबाइल। अब देखती हूँ मोबाइल में, मुझे उनसे पिक्चर्स लेनी थी मेरी, और वो देती नहीं है। और उनके मोबाइल में बहुत सारी ऐसी गैलरीज में पिक्चर्स है मेरी उनके साथ, जो वो मेरे को भेजती भी नहीं है, खुद ही मैं पास उठ लेती है। चलो अब मैं इनको ले लूँ। टीना दीदी कहाँ से? मेरा फोन दे और देखती हूँ कहाँ पे है। कहाँ है? ला रही हूँ। पासवर्ड क्या है? आ गया, ला ना, अंदर आऊंगी मैं। रुको रुको आ रही हूँ। आ गई दीदी। मैं कुछ नहीं, क्या कर रही है? दे मेरा मोबाइल, दे दे। क्या कर रही थी? व्हाट्सएप चेक कर रही थी। घर आके बोलती हूँ तेरे सारे गिफ्ट्स कैंसिल, जो मैं देने वाली थी अपनी जॉब लगने पर। नहीं दीदी यार नहीं, चली गई। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? छोड़ो।
यार कुल्फी तो खत्म हो गई, क्या करूं। दस बजने वाले हैं, शिट, मैंने क्या करवाना था बैठ के, ये सब भूल गई। अब मैं क्या करूं, 10 बजे दुकान खुली होगी। चलो कार से जाके देखती हूँ, खुली थी दुकान? नहीं मम्मा, मैं गई थी, नहीं खुली। अब मैं क्या करूँ कल? नारियल का तेल लगा ले, तेरे पास मेकअप है तो मेकअप लगा लेना। हाँ मम्मा, पर मेकअप उससे नेचुरली मतलब ब्यूटी चाहिए ना, तो उसके लिए भी तो चाहिए। हमको तो नहीं पता नेचुरल ब्यूटी उससे होती है, मेकअप से भी तो हो जाती है। हम भी तो करते थे बचपन में, बहुत मेकअप करते थे, छुप छुप के हमारी बहनें करती थी, हम नहीं करते थे। तो तू भी कर लेना ना, एकदम मस्त लगती थी, एकदम चकाचक, एकदम मुँह उसको क्या बोलते हैं, चांद लगती थी, एकदम चांद जैसा मुकड़ा। मम्मा अब ये पुराने ज़माने नहीं, ये 90s नहीं, 2022 है। कैन आई रिपीट, ये 2022 है, 90s नहीं। हाँ हाँ पता है, लेकिन अभी इतना एसी भी चालू हो रहा है, बिजली के बिल जाएगा। मम्मा मैंने अभी चालू किया। कैसे बात कर रही अपनी मम्मी से? जा अब मैंने एक ग्लास पानी ले आ, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो कल क्या करेगी? ठीक है लो। हाँ चल पी लिया, चल अब सो जाते हैं, कल का कल देखेंगे। कल जल्दी उठ जाना, उठ जाना तुम्हारी बहन, कल तुम ना जल्दी चले जाना, तो कल देखते हैं। कौन कर रहा है? टीना को मेरे साथ क्यों? मम्मी हेलो, क्या मेरे साथ टीना को क्यों सुना दिया? क्या क्या मेरे साथ टीना को क्यों सुना दिया? अरे मेरे घर में भी, मेरे मेरे कमरे में भी कराटे मार रही थी, तो मैंने सुना दिया। फिर तो उसको जेल ले थोड़ी देर, मैं तो रोज ही खेलती हूँ। उठ बेटा, उठ। टीना को उठा ली, टीना को, मुझे तो काजल को उठ, काजल उठ उठ उठ। मम्मी सोने दो ना, क्या है, शादी है तेरी आज, उठ उठ। क्या कितने बजे? मम्मा अभी तो सिर्फ 6 बजे हैं, तो 6 बजे से तैयार नहीं होना था? अच्छा अच्छा हाँ 8:30 से, सो जा सो जा सो जा। तो भी कितने बजे? 7:30। तैयार हो जाती हूँ, मम्मा उठी, मम्मा तो मेरे साथ ही सो गई। एक काम करती हूँ, मैं सरप्राइज दूंगी। हाँ मेहमान आना शुरू हो गए, मम्मा उठ गई, मैं तैयार हो गई, हो गया सब कुछ, बस थोड़े दिन थोड़े दिन और फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ऐसे रखूँगी, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसी ठीक है। ये सब तो हो गया, आइए नमस्ते जी। हाँ वही, कितने बड़े हो गए हैं, कौन सी जॉब मिली है? डॉक्टर, वाह। और आपकी बीवी घर में? ठीक है, आइए ना बैठिए बैठिए। क्या लाऊं, कुछ चाय, नाश्ता? हाँ छोटी बेटी है आपकी, क्या नाम है? काजल, काजल हमारी बेटी, हमारी बेटी का भी नाम काजल। काजल चलो आ जाओ, हमारी बेटिया को तो हम काजू बोलिए बेटा बुलाते हैं। आ काजल क्या खाओगी? चॉकलेट, चॉकलेट। काजल चॉकलेट है? नहीं है,
लियो लियो लियो, हाँ तुम्हें ले, आओ कि घर आओ कि नहीं, चलो बैठे। चॉकलेट कहाँ से लाएगी तुम? चॉकलेट कहाँ रखी है? हाँ मम्मा वो मेरी चॉकलेट है, मेरी फ्रेंड ने मेरे को बड़ी वाली चॉकलेट दिया, मेरे पास उसके अलावा कोई चॉकलेट नहीं है। बाहर से ले आऊँ? व्हाट यू मीन बाहर से ले आऊँ? इतना अभी मेहमान आया और चॉकलेट बाहर से ले जाऊँगी? चिप्स? हाँ चिप्स पड़े होंगे तो। आपने हाँ क्यों बोल दिया? व्हाई मॉम व्हाई? नो नहीं मैं नहीं जाऊँ। सो बहुत गुड, नो आप मेरे साथ ही चले जाओ ना। चलो ठीक है, आप जब आओगे तब भी मैं जाऊंगी। वेन एवर आई नो इंग्लिश हो क्या हो गया मेरी, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। छोटे बच्चे हेलो, मुझे बचपन में मुझे घर में काजू लाता है, मैं आपको काजू बोल सकती हूँ? नहीं का चलो मुझे देखा था तुझको, रात भी वो याद है मुझको। ये किसकी आवाज आई? क्या हुआ काजल? क्यों फोन कर रही थी? होगा टीना का भी तो फोन नहीं आया, देखते हैं थोड़ी देर वेट करते हैं, मोबाइल चला लेती हूँ मैं। हेलो कहाँ पे है तू? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। ठीक है आप मैसेज भेजा होगा। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो टीना क्या कर रही थी? हेलो और मेरी ड्रेस मिली तुझे? नहीं वो सारी शॉप्स में खत्म हो गई है, वेडिंग ड्रेस नहीं है। व्हाट यू मीन खत्म हो गई है? तो चुंगी से ट्राई कर। चलो ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और मेरी ज्वेलरीज? ज्वेलरीज मैं ले आई हूँ। ठीक है, और बच्चों के गिफ्ट्स? बच्चों के गिफ्ट्स भी टॉय शॉप पे खत्म हो गए थे तो मैं नहीं ला पाई। अच्छा तू उसके बाद मेरी ब्राइड ड्रेस लेने के बाद तू वहाँ से हेयर बैंड्स और ये सब ले लेना, ठीक है? या फिर कपड़े ही ले लेना उनके लिए। ओके चलो मेरा वो तो ये सब तो होगा काम, अब हम दिखते हैं अब आगे क्या करना है। जल्दी से वो लाए। किसका फोन नहीं मैसेज है। जैसे आते हैं ना तो नमस्ते पे तो चढ़ ही जाते हैं। पहले वाले में चल गए थे ना? नहीं पहले वाले में गए थे तो वहाँ पे क्या तंदूरी नान पड़ा तो वहाँ पे एकदम मज़ा आया था ना, सच में बता रही हूँ। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। आते नहीं अभी नहीं, अभी तो आए हैं, अभी तो हमारे रिश्तेदारों से मिलेंगे। नहीं हाँ नहीं नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। न बोलो तुम्हें चाहिए?